क्यों भाई? बिल्कुल है, कोरोना की दवाई बन गई है क्या? बन गई है। तभी तो हम बाहर घूम रहे भाई। चलो मुझे उसे ठीक हो गए बिल्कुल मेरी तरह। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के बाद आज हम पहली बार निकले हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग निकले नहीं बाहर, क्योंकि गाड़ी तो ऐसे ही खड़ी हुई थी। तो सोचा छोटी सी एक राइड लेके आए गाड़ी की और घूम के आए थोड़ा सा, और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। ओखला जाना है, दिमाग में आया कि डंबल खरीद लें क्योंकि यहाँ पर डंबल मिलते हैं, तो देखते हैं अगर वो डंबल वाला वहाँ पर मिल गया और डंबल्स मिल गए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, अगर नहीं मिले तो सोचेंगे कि घूमने गए थे घूमकर वापस आ गए। अभी एक्चुअली मैं ऐसा महसूस हो रहा है ना जैसे कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हमें आज़ादी मिल गई है और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई है ये, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही जीना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ करके इस बीमारी के साथ में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक होगा ही होगा। तो अभी ये देखो ये मज़दूर लोग हैं किस तरीके से पैदल जा रहे हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी आ रही है लोगों से, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से जा रहे हैं। लोगों को बहुत ही मुसीबत पड़ रही है और दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों के घरों में तो खाने तक को नहीं है, लेकिन भगवान सबको दे ही देता है कहीं ना कहीं से। बस प्रे करो कि जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से हम लोग आज़ादी से घूम सकें और मस्ती कर सकें, सबके साथ मिल सकें जिस तरीके से हम लोग पहले मिला करते थे। तो भाई देखो नज़ारे, सिनेमैटिक शॉट देखो, मज़े लो, म्यूज़िक के मज़े लो और ये सड़कों के नज़ारे लो। तो भाई डंपल हम लोगों ने ले लिए हैं, ये देखो यहाँ रखे हुए हैं। ये ओखला पे खड़ा हुआ था मैं, चल ये ओखला पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है और बिकता रहता है सामान। डंपल रोड वगैरह कुछ भी ले लो आप लोग, सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे। क्यों आ रहा है गुल्लू भाई, यहाँ पे रोल डंपल सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, यहीं से मैंने डंपल लिए हैं और बहुत ही मतलब कहते हैं ना बढ़िया रेट पे डंपल मिल गए मेरे को, क्योंकि घर में रहता हूँ यार, थोड़ा सा शाम को वर्कआउट हो जाए। मैं सोच रहा था घर का कोई जुगाड़ से बनाऊंगा, लेकिन फिर ना वो चीज़ आ नहीं पाती, बढ़िया डंपल मिल गए। अब बढ़िया से एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद में अपने डोले को चमकाएंगे। क्यों भाई? बिल्कुल फ़ोन कर ले, गुरमित भाई को फ़ोन आ रहा है। चलिए भाइयों ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। थोड़ा सा अंधेरा है अभी तो आप लोग क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाइयों। लेकिन पता है क्या है, फीलिंग बहुत मस्त हो रहा है इस टाइम, जो फीलिंग है ना कोई है क्या, बहुत अच्छी वाली फीलिंग हो रही है यहाँ पे भाई। क्या करें, रेड लाइट बहुत तंग करती है। आए हाय ये नज़ारे भाई, कितना मिस कर रहा था मैं इन रोडों को और इस ताज़ा हवा को जो कि बहुत दिनों बाद मुझे मिली है अंदर लेने के लिए। क्यों भाई? अब कुछ गलत मत समझ लेना अंदर लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शिकारी लौंडे हमारी वीडियो को देखते हैं और फिर कमेंट करके बोलेंगे भाई क्या अंदर ले रहे हो। वाह वाह वाह। वैसे ना ये ट्रकों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी ना शायरियाँ लिखी होती है मस्त मस्त, बट इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। इस पे लिखा तेरा सहारा अम्बे माँ, सबके ऊपर सहारा है, आशीर्वाद है अम्बे माँ का। ये देखो भाइयों लोग जा रहे हैं, सबने मास्क पहना हुआ है, बट हम लोगों ने कर दिया उल्लंघन इस टाइम, हमारे पास मास्क है ही नहीं। अब क्यों नहीं है मास्क, ये मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता सकता हूँ, बट मैं बताऊँगा नहीं, फालतू में आप लोग कहोगे फालतू की बातें कर रहा है।
चलो बता देता हूँ यार, ना, ना। बात नहीं भाइयों को बता दो, रहने दे, चल रहने देता हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी जाननी है तो इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे स्टोरी डालूंगा आज, और आप लोगों को पता चल जाएगा मास्क क्यों नहीं पहना हुआ हम लोगों ने। क्यों भाई? बिल्कुल है, कोरोना की दवाई बन गई है क्या? बन गई है, तभी तो हम बाहर घूम रहे हैं भाई। अब तो टाइटल यही आएगा वीडियो का, कोरोना की दवाई मिल गई, मजाक है ना? नहीं, लेकिन हम ना क्लिक बेट कर सकते हैं इस चीज में, है ना? तो भाई करना तो बनता है कि नहीं? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग घूम रहे बाहर, मजेदार हवा ले रहे हैं, मस्त मस्त मस्त। चलिए भाइयों, मिलता हूँ आप लोगों से घर पर जाकर, क्योंकि फालतू की बातें करना मेरे यहाँ पे अलाउड नहीं है, मेरी वीडियोस में बकवास करना, क्योंकि मैं सिर्फ काम की बातें आप लोगों को बताता हूँ और दिल की बातें आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, अपनी फीलिंग्स दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप लोग इस रोड के नज़ारे लो और म्यूज़िक एन्जॉय करो, एन्जॉय नहीं एन्जॉय करो। दिल्ली हमारी और ये हमारे कोरोना वॉरियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे बॉर्डर पर, संगम बिहार की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इनकी वजह से ही लॉकडाउन का पालन चल रहा है भाई। लठ मारते ना इनको लेटा लेटा के। तो दोस्तों फाइनली अपने डंबल्स आ चुके हैं, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज इन्हीं डंबलों से। तो ये मैं आया हूँ ओखला रेड लाइट से और बहुत ही बढ़िया रेट पे मुझे वहाँ से मिले। अब आप लोग घर में हैं तो भाई आप लोग कुछ ना कुछ करने की जरूरत तो है ही, तो भाई एक्सरसाइज करो, घर पे रहो, सेफ रहो और एक्सरसाइज करते रहो, जिससे कि आप लोग फिट रहेंगे। तो ये वीडियो इतनी थी, अब मैं करूँगा एक्सरसाइज और वीडियो को यहीं पर करते हैं। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।